नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया आज हम इसमें सीखेंगे विभाजता का नियम डिजिबिलिटी रूल तो डिजिबिलिटी रूल के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप सभी को हम सारे नियम को बता देंगे प्रश्नों के माध्यम से हम सारे नियम को बताते हैं जैसे पहला प्रश्न दिया गया कुछ इस तरीके से दूसरा प्रश्न दिया गया कुछ प्रश्न इस तरीके से तीसरा प्रश्न मतलब के ऐसे प्रश्न लेकर आए हुए हैं हम बहुत सारे प्रश्न को जैसे यहाँ पर दिया गया कि बीच में यहाँ पर बात करना है पाँच से विभाज दो से विभाज्य और आगे दिया गया दो और तीन से ये वाला भी समस्या अगर आपको आती है और ये वाली भी समस्या अगर आपको आती है तो आप इस वीडियो में बने रहना तो और देखते हैं हम और सारे प्रश्न को लेकर आते हैं यहाँ पर और, और भी सारे प्रश्न को लेकर आए हुए हैं जैसे यहाँ पर दिया गया यार तीन और सात ग्यारह से विभाज्य है तो बताना है कि इसका मान क्या निकल के आएगा इस प्रकार का भी प्रश्न आता है परीक्षाओं में अब यहाँ से आगे थैंक यू बस इतने ही सारे प्रश्न थे फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के माध्यम से आज हम पूरे डिजिबिलिटी रूल को हम खत्म कर देंगे चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले शुरू करेंगे हम देखेंगे कि एक से विभाज अगर एक से विभाज तो एक से विभाज सारी संख्याएं हो जाएंगी दो से विभाज दो से विभाज जो वह संख्याएं होंगी जिसके इकाई के अंक पर जिसके इकाई के अंक पर क्या आएगा या तो जीरो आएगा या तो संख्या आएगी या तो जीरो आएगी यह समख्या मतलब दोनों में से कोई एक आ सकता है तीन से विभाज्य तीन से विभाजता का नियम होता है कोई संख्या दी रहती है अगर हम संख्याओं का सम करते हैं हम कहेंगे सम आप नंबर सम आप जितने भी डिजिट है सम आप नंबर का जितने भी डिजिट है सम आप डिजिट और डिवाइड कर देंगे तीन से अगर संख्याओं का योग अगर तीन से विभाज्य है तो हम कहेंगे वह संख्या तीन से विभाज्य होगी चार से विभाजता का नियम क्या होता है चार से विभाजता का नियम होता है फ्रेंड्स कि अंत की संख्याएं किसी भी संख्या की अंत की हम दो संख्याओं को चेक करेंगे अगर दो संख्याएं जो है अगर चार से विभाज्य हैं तो हम कहेंगे वह संख्या चार से विभाज्य होगी इसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं आठ का आठ का भी रूल यही कहता है कि अंत की हम तीन संख्याओं को चेक करेंगे अंत की अगर तीन संख्याएं अगर आठ से विभाज्य हैं तो वह संख्या आठ से विभाज्य होगी अगर सोलह से सोलह से बात करते हैं तो अंत की हमको चार संख्या को चेक करना पड़ेगा अगर चार संख्याएं अगर हमारे सोलह से विभाज्य हैं तो हम कहेंगे कि सोलह से वह संख्या विभाज्य होगी तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं पाँच से तो पाँच से विभाज्य वह संख्या होगी जिसके इकाई के अंक पर जिसके यूनिट डि यूनिट डिजिट पर क्या होगा फ्रेंड्स वहाँ पर या तो जीरो होगा या तो पाँच होगा या जीरो होगा या पांच होगा तो वह संख्या पांच से विभाज्य होगी छह से विभाजता का नियम क्या कहता है छह से विभाज्य वह संख्या होंगी जो संख्याएं दो और तीन से विभाज्य होंगी जो संख्याएं दो और तीन दोनों से विभाज्य होंगी वही संख्याएं फ्रेंड छः से विभाज्य होंगी सात से सात से विभाजता का नियम फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सात से विभाजता का नियम क्या होता है इस पर कोई नहीं पूछता है सवाल मगर इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वह होता है इसको ध्यान रखना सात से विभाज जो वह संख्या होगी जैसे सात से कोई विवाद संख्या है हम मान के चल रहे हैं सात से विवाद एक संख्या है मतलब कि हम मान या होता नहीं मतलब कि हाय पता नहीं कि नहीं है अगर इस संख्या का जो अंत वाली संख्या है इसके संख्या में अगर हम दो से गूड़ा कर देते जैसे दो से गूड़ा करने पर यह अठारह आएगा अब जो बची हुई संख्या है दो, से, दो संख्या बच गई हैं इनमें से हम इस अट्ठारह को घटा देंगे जो बचता है कितना बचेगा यहाँ पर चौदह बच जाएगा अगर जो बचता है अगर यह संख्या सात से विभाज्य है तो हम कहेंगे कि यह संख्या पूरी सात से विभाज्य होने वाली है यह संख्या पूरी सात से विभाज्य होगी नौ से विभाजता का नियम क्या कहते हैं नौ से विभाजता का नियम होता है कि संख्याओं का सम आप डिजिट करेंगे हम संख्याओं के अंकों का योग करेंगे तो सम आप डिजिट अगर सम आप डिजिट करते हैं अगर उसका जो है योग नौ से विभाज्य है तो हम कहेंगे संख्या नौ से विभाज्य होगी दस से विभाज्य दस से विभाज सबको पता ही होगा कि अंत में जीरो आना चाहिए और ग्यारह से यह इंपॉर्टेंट है ग्यारह वाला भी इंपॉर्टेंट होने वाला और नौ वाला भी इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट जो है उसको याद करना ग्यारह से विभाजता का नियम क्या कहता है ग्यारह से विभाजता का नियम कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम कर दे। जैसे अल्टरनेट डिजिट का अगर हम सम करें अगर हम उसको आपस में घटा दे अल्टरनेट डिजिट का सम करके उसको घटाने पर या तो जीरो आना चाहिए या ग्यारह का मल्टीपल आना चाहिए जैसे हम बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक कोई संख्या है या मतलब कि या कोई संख्या दी गई है तो यह कैसे नियम काम करेगा ग्यारह का तो हम कहेंगे अल्टरनेटिव मतलब ए प्लस सी प्लस ई e प्लस जी ए प्लस सी प्लस ई e और प्लस का जी इसका अंतर निकालेंगे योग कर देंगे और इसका फिर अंतर कैसे निकालेंगे हम कहेंगे बी प्लस डी प्लस य प्लस जी से बी प्लस का डी प्लस का यफ और प्लस का एच अगर हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं अगर यह जीरो आता है क्या आता है इसका अंतर जीरो आता है या ग्यारह का कोई मल्टीपल आता है मल्टीपल आता है तो हम कहेंगे यह संख्या ग्यारह से विभाज ग्यारह से विभाज्य होगी आगे और देखते हैं फ्रेंड आगे और देखेंगे अगर हमको चेक करना हुआ कि पैंतीस से कौन सी संख्या विभाज्य होगी पैंतीस से हमको चेक करना हुआ तो हम और पाँच और सात से चेक कर लेंगे पाँच और सात से विभाज्य होगी जैसे पैंतालीस से चेक करना हुआ तो पैंतालीस से चेक करना हुआ पाँच और नौ से चेक कर लेंगे पाँच और नौ से चेक कर इसी प्रकार से सतहत्तर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सतहत्तर का तो ग्यारह और सात से चेक करते हैं अट्ठासी का भी पूछा जाता है तो अट्ठासी का होता है ग्यारह और आठ से हम चेक कर लेंगे ग्यारह और आठ से हम चेक कर लेंगे इसी प्रकार से अगर हमको इक्यानवे चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे हम सात गुड़े तेरह से चेक कर लेंगे सात गुड़े तेरह से चेक कर लेंगे अगर कोई संख्या एक सौ एक से विभाज्य है अगर कोई संख्या एक सौ एक से विभाज्य है तो वह संख्या कैसे एक सौ एक से विभाज्य होगी हम कहेंगे अगर उसका तीन बार मतलब चार बार अगर रिपीटेशन होगा इस प्रकार से तो हम कहेंगे वह संख्या चार से विभाज्य होगी जैसे हम लिख देते हैं पांच पांच पाँच चार बार मतलब कोई भी संख्या अगर चार बार लिखी गई है तो हम आज मुद्दे कह रहे हैं कि वह एक सौ पाँच से मतलब एक सौ एक 111 से विभाज्य होगी एक सौ ग्यारह से विभाजता का नियम क्या कहता है वह संख्या तीन बार रिपीट होगी जैसे तीन तीन चार चार और छ छ मतलब कि वह संख्या तीन तीन बार रिपीट होगी हो तो वह ग्यारह से विभाज्य होगी ग्यारह से विभाज्य होगी और चेक करते पर अगर कोई संख्या दिया गया है कि बयालीस बयालीस इस पर से दिया गया बयालीस बयालीस और बयालीस मतलब वह संख्या तीन तीन बार पर्यट हो रहा है दो दो के अंकों में बयालीस बयालीस और बयालीस तो यह किससे विभाज्य होगी और दिया गया है कि पचहत्तर 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 या किससे मतलब ऐसे दिया गया है बारह 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 तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी तो हम कहेंगे यह संख्या जो विभाज्य होगी वह ग्यारह और सैंतीस से विभाज्य होगी किससे ग्यारह और सैतीस से विभाज होगी ये सब फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर तो आगे और चेक करते हैं अगर कोई संख्या जो है ए बी सी ए बी सी फिर ए बी सी मतलब कि यहां से देखेंगे कि ए बी सी मतलब कि तीन तीन अंक माध रिपीट हो रहा है मतलब तीन तीन अंक का जोड़ा से एक दो तीन एक दो तीन, एक, दो, तीन। इस प्रकार से संख्या दी गई है तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी हम कहेंगे यह संख्या सात से विभाज्य होगी ग्यारह से भी विवाद हो, हो जाएगी सात ग्यारह से भी विभाज्य होगी और तेरह से भी विभाज हो जाएगी किससे किससे सात ग्यारह और तेरह से भी विभाज्य होगी अगर सात ग्यारह और तेरह से विभाज्य है तो हम कहेंगे वह एक हजार एक से भी विभाज्य होगी एक हजार एक से भी विभाज होगी फ्रेंड्स इतने ही नियम थे अब चलते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन जो दिया गया था फ्रेंड्स वह दिया गया था चार सौ मतलब चौवालिस चौवालीस या किस से विवाद अभी हमने देखा है या जब संख्या तीन बार रिपीट चार बार रिपीट होती है तो या किससे से विवाद होती है तो हमने चेक किया था या किससे से विवाद होती है या चार चौवाल मतलब एक सौ एक से विभाज होती है एक सौ एक से विभाज्य होती है तो यह हम कहेंगे एक सौ एक से विभाज हो जाएगी आगे जैसे दिया गया चार बयालीस मतलब कि चार दो तीन चार दो तीन या किस से विवाद होगी हम कहेंगे जब तीन तीन का रिपीटेशन होगा तीन तीन का रिपीटेशन होगा तो या छः बार लिखा जाएगा तो या हम कहेंगे एक हजार एक से विभाज्य होगी या एक हजार एक से विभाज्य होगी या सात ग्यारह या तेरह से विभाजोगी सात ग्यारह तेरह से या विभाजी आगे Osionfish. अब दिया गया है एक से लेकर दो सौ तक तक की बात किया गया है मतलब कि दो सौ को भी लेना है पांच से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं पांच से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं अगर हम एक को विभाज करेंगे पांच से तो यह एक ही बार जाएगा अगर दो सौ को हम पांच से विभाज करते हैं मतलब कि यह कितनी बार जाएगा अगर एक को विभाज करें तो यह जीरो बार जाएगा अगर हम पांच को पांच से विभाज करते हैं तो यह एक बार जाता है पहला मल्टीपल क्या होगा एक हो गया दो सौ को हम पांच से भाग करेंगे तो यह निकल के जानेगा पांच सौ बीस चालीस बार हो जाएगा तो नंबर आप टर्म क्या आ जाएंगे इसमें कुल कितने अंक होंगे हम कहेंगे अगर हमको नंबर आप टर्म निकालना हुआ तो हम कहेंगे चालीस मतलब कि जो सबसे बड़ी संख्या है माइनस का सबसे छोटी चालीस माइनस का एक प्लस का वन तो चालीस में से एक घटाएंगे एक से एक कट जाएगा तो कुल मिलाकर चालीस पद हो जाएंगे चालीस पद जो हो जाएंगे वह आप पचास मतलब पांच से विभाज्य होंगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अब बताया गया है बीच में अब बीच में आया यहाँ पर एक से दो सौ के बीच में पाल से डीजी कितनी संख्याएं हैं मतलब विभाजित कितनी संख्याएं हैं तो देखेंगे हम तो एक से लेकर पाँच सौ तक मतलब सो दो सौ तक तो दो सौ को हम पाँच से विभाजित करेंगे तो याद जाएगा फ्रेंड्स चालीस बार क्या इसको हमको लेना है दो सौ वाले को हम कहेंगे नहीं लेना है तो यहाँ से जो निकल के आने वाला कुल मिलाकर चालीस माइनस एक कुल मिलाकर कितने पद होंगे उनतालीस पद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ दो सौ वाला तो लेना नहीं है हमको तो इसलिए उनतालीस पद हो जाएंगे बाकी एक से लेना है तो एक दो तीन चार पाँच पाँच तो यहाँ पर आ रहा है बाकी यहाँ से यहाँ तक ले कोई मतलब है नहीं तो हम यहाँ पर कुल मिलाकर उनतालीस हो जाएंगे अगर बीच का पूछा है तो जैसे इसमें पूछा गया एक से लेकर एक से सौ तक एक से सौ तक दिया है कोई दिक्कत नहीं है तो के बीच दो से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं दो से विभाज्य कितनी संख्या तो सौ को हम विभाज्य कर देंगे दो से तो या जाएगा पचास बार हम कहेंगे पचास संख्या है, तो पचास जैसे तुरंत गलत हो जाएगा तो क्या सही है इसका तो हम पचास माइनस एक उनख्या संख्याएं हैं उन संख्याएं हैं है। अब सही जवाब निकल के आएगा चलते हैं एक से चार सौ के बीच दो व तीन से विभाज्य कितनी संख्याएं अब की बार पूछा गया है दो व तीन से कितनी संख्याएं हैं? है। अगर वह का आता है कहीं पर निकल के फ्रेंड्स क्या आता है वह का आता है वह मतलब क्या होता है एंड मतलब होता है फ्रेंड्स एंड एंड होता है एंड मतलब कि दो और तीन दोनों से विभाज्य होंगी दो और तीन का हम ले लेंगे एलसीएम तो क्या निकल के आएगा छह निकल के आएगा अगर कहीं भी प्रश्न के बीच में वह आता है तो हम कहेंगे वह दो और तीन से दोनों से विभाज्य मतलब छे से विभाज्य यहाँ से हम छे से विभाज कर देंगे इसको चार सौ को चार सौ को जैसे हम छे से विभाज करेंगे तो याद जाएगा दो सौ बटे तीन दो सौ बटे तीन क्या होता है फ्रेंड्स हम कहेंगे छठ छठ सही दस छठ छठ दसमलो दो बटे तीन मतलब छठ छठ सही दो बटे तीन आता है तो कुल मिलाकर छठ छठ यहाँ पर संख्या हो जाएगी कितनी संख्या हो जाएगी हम कहेंगे छठ छठ संख्या जो हो जाएगी वह दो व तीन दोनों से विभाज होगी दो व तीन से विभाज होगी अब यहाँ पर बीच में यह आ गया है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या आ गया है या आ गया या वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे या वाले को फ्रेंड से आया गया है कि दो या तीन से मतलब दो या तीन से होगा दो और तीन और का आ रहा है मतलब कि दो से होगा तीन से होगा मगर दोनों से नहीं होगा या तो दो से ही होगा या तो तीन से ही होगा तो इसमें हम पांच सौ को एक बार हम दो सौ से विभाज करते हैं तो दो से, से विभाज करेंगे अगर हम इसको तो ढाई सौ बार जाएगा ढाई सौ संख्या आ जाएंगी अगर हम इसको तीन से विभाज करते हैं फ्रेंड पाँच सौ को हम तीन से विभाज करेंगे तो यह कितनी बार जाएगा हम कहेंगे यह पाँच एक नम पाँच मतलब तीनम तीन दो पाँच बीस हो जाएगा छः तरीक अट्ठारह अट्ठारह दो बीस हो जाएगा फिर छः तरीक अट्ठारह एक सौ छठ हो जाएंगे एक सौ छठ बार चला जाएगा एक सौ छठ बार चला जाएगा अब दोनों से विवाज कितनी संख्याएं हैं मतलब कि दो या तीन से होगी मगर दोनों से दोनों से भी से हो जाएगी, जो कि छः से होगी विभाज क्योंकि दो या तीन से होगी जो छः से होगी उसको नहीं लेना है तो कितना पाँच सौ को हम छ से विभाजित करेंगे तो छः पंच छतः बयालीस छ अठे अड़तालीस छ अठे अड़तालीस अड़तालीस और दो पचास आएगा अड़तालीस और दो पचास आएगा छत्तरिक्ठारह कुल मिलाकर तिरासी जो संख्याएं हैं वह छः से विभाज्य हैं छा से विभाज्य हैं तो हमको तो निकालना है फ्रेंड्स यहाँ से दो या तीन से तो कैसे निकलेगा हम कहेंगे इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं जो जैसे जो जोड़ते हैं पहले, पहले छः और छः और पांच ग्यारह दो और एक तीन और एक चार चार सौ तो सोलह माइनस अगर हम तिरासी कर देते हैं तो फ्रेंड्स इसका अंतर निकल के आता है यहां से छह में से तीन गया तीन और ग्यारह में से तीन गया तीन और तीन 333 संख्या जो हो जाएंगी फ्रेंड्स वह दो या तीन से विभाज्य होंगी दो या तीन से विभाज्य होगी मगर दोनों से विभाज्य नहीं होगी या का मतलब यही होता है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट 200 से 100 तक पांच से विभाज अब यहाँ पर तक पूछा है मगर यह वहां पर शुरू में देख रहे थे एक से शुरू हो रहा था इसलिए फ्रेंड्स वहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही थी यहाँ पर 200 से 20 से शुरू हो रहा है और 100 तक हो रहा है तो हम कहेंगे बीचों बीस से शुरू हो रहा है कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम कहेंगे यहाँ से अगर हम बीस को हम सॉल्व करते हैं पाँच से भागा देते हैं तो आ जाएगा चार बार चार बार जाएगा क्या इसको हम ले सकते हैं जी हाँ यहाँ से इसको हम अलाउ कर देते हैं अलाउ जी हाँ इसको ले सकते हैं कैसे अगर हम इसको हम पाँच से भागा मतलब तक, तक तक पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम कहेंगे इसको ले सकते हैं आगे सौ सौ बटे पाँच पहनेंगे बीस बार तो क्या यह अलाउ है जी हां यह अलाउ है यह अलाउ है तो हम कहेंगे कुल मिलाकर कितनी संख्या है अगर यहाँ से नंबर आप हम टर्म निकालेंगे नंबर आप टर्म कैसे निकलेगा यह निकलेगा बीस माइनस का चार बीस माइनस का चार करेंगे और प्लस का वन ऐड कर देंगे तो बीस चार घटाएंगे तो सत्रह संख्या आ जाएगी कुल कितनी संख्याएं हैं हम कहेंगे प्रिंट सत्रह संख्याएं है, हैं जो कि बीस से सौ तक पांच से विभाजित आगे अब यहाँ पर बीच पूछ लिया गया अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम कहेंगे बीस को हम पाँच से भागा देते हैं तो या चला जाएगा चार बार क्या चार अलाउ है क्या चार इनके बीच में आ रहा है मतलब बीस जो है या बीस और सौ के बीच में आ रहा है हम कहेंगे नहीं यहाँ से अगला जो होगा टर्म्स वह अलाउ हो जाएगा या अलाउ नहीं है तो अगला टर्म्स क्या हो जाएगा पाँच आएगा और आगे सौ को हम विभाजित करेंगे पाँच से तो आ जाएगा बीस बार क्या यह अलाउ है क्या यह मान्य है हम कहेंगे नहीं यह मान्य नहीं है मान्य क्या होगा हम कहेंगे इनके बीच में मतलब बीस से छोटा तो उन्नीस आएगा एक तो उन्नीस आएगा तो नंबर आप टर्म्स यहां से कितने निकल के आएंगे हम कहेंगे नंबर आप टर्म्स से बराबर क्या होता है नंबर आप टर्म्स मतलब कि पदों की संख्या मतलब कुछ कितने पद है तो यहां से बड़ी टर्म मतलब बड़ा वाला मतलब कि बड़ा वाला टर्म्स क्या है उन्नीस माइनस का फर्स्ट टर्म मतलब कि अंतिम पद माइनस का फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म कितना है पाँच है पाँच और प्लस का वन पाँच प्लस का वन तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे पाँच पाँच है उन्नीस में से पाँच घटाएंगे तो चौदह आएगा चौदह और एक करेंगे तो पंद्रह निकल के आ जाएगा कितना आएगा फ्रेंड पंद्रह आ जाएंगे हम कहेंगे पंद्रह संख्याएं जो है वह दो सौ बीस से सौ के बीच है पाँच से विभाज्य है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कहा गया यार पांच अंकों की जो संख्या है यह इतने से तीन सात और ग्यारह से विभाज्य है तीन सात और ग्यारह से विभाज्य है तो हमको बताना है फ्रेंड्स इसका मान क्या निकल के आएगा तो तीन सात ग्यारह से विभाज्यता का नियम था, था।, हम का था तो हम कहेंगे तीन बुढ़े सात बुढ़े ग्यारह अगर हम इन सब का बुढ़ा करते सात तरीके इक्कीस इक्कीस गुड़े ग्यारह करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला एक और दो और एक तीन और दो दो निकल के दो सौ इकतीस से विभाज्य होंगी वह संख्या क्या होगी दो सौ इकतीस से विभाज्य होंगी तो हम ए और बी बराबर मानते हैं पहले जीरो ही मानेंगे क्योंकि सबसे छोटा मान जीरो ही होता है तो हम दो सौ इकतीस से विभाज करेंगे किसको को विभाज करेंगे हम उनसठ तीन सौ को दो सौ इकतीस से विभाज करेंगे अगर हम इसको लेकर जाएंगे दो बार दो बार लेकर जाएगा तो कितने जाएगा दो बार हो जाएगा दो एक करनम दो एक दो और तीन दोनी छः तो दो चार अगर फ्रेंड्स इसमें से इस में तीन में से दो चला जाएगा एक बचेगा और नौ में से छः चला जाएगा तीन बचेगा एक सौ एक इकतीस निकल के आ जाएगा तेरह सौ दस आ रहा है तेरह सौ दस को हम भाग देंगे दो सौ इकतीस से कितनी बार हम कहेंगे पांच बार इसको हम लेकर जाते हैं तो पांच बार लेकर जाने पर पाँच करना पाँच आ जाएगा और पानती आई पंद्रह पानती आई पंद्रह पाँच दोनी दस और एक ग्यारह ग्यारह आ जाएगा अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो दस से अगर पाँच जाता है तो पाँच बचता है इन दस से पाँच जाता है पाँच बचता है यहां पर दो बच गया दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा जीरो पंद्रह सौ पचास आ गया है अब फ्रेंड्स इसको हम छह बार लेकर जाते हैं तो छह बार कितना छह करना छह कन्ना कर छह छह तरीक अठारह छह तरीक अठारह और छह दूनी बारह बारह और एक तेरह तेरह सौ छियासी निकल के आ रहा है यहां से जब इसको हम घटाएंगे दस में से छह चला जाएगा चार बचेगा और यहाँ बच जाएगा फ्रेंड्स चौदह चौदह में से आठ जाएगा आठ सात चौदह चौदह और यहाँ से बच जाएगा चार चार में से तीन जाएगा एक एक सौ चौंसठ निकल के आ रहा है एक सौ चौंसठ निकल के फ्रेंड्स आ रहा है अगर हम एक सौ चौंसठ में कितना जोड़ दें जिससे यह दो सौ इकतीस हो जाएगा हम कहेंगे दो सौ इकतीस में से एक सौ चौंसठ को घटा देते हैं जब हम दो सौ चौसठ दो सौ इकतीस में से हम एक सौ चौंसठ को घटाएंगे वही तो जोड़ना पड़ेगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा हम कहेंगे ग्यारह में से अगर चार चलाएगा तो सात बचेगा और यहाँ बच जाएगा दो दो मतलब कि बारह बारह से छः चला तो जाएगा तो छः बचेगा कुल मिलाकर फ्रेंड्स अगर हम इसमें सड़सठ जोड़ देते हैं तो यह कहेंगे दो सौ इकतीस से विभाज हो जाएगा तो संख्या क्या थी पाँच सौ तिरानबे डबल जीरो इसमें हम अगर सड़सठ को जोड़ देते हैं तो यह विभाज हो जाएगी दो सौ इकतीस मतलब कि सात ग्यारह और तेरह से विभाज हो जाएगी तो तीन छः सात अब एक जगह पर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर एक जगह पर सिक्स आ रहा है या ए का मान हो गया और बी की जगह पर सेवन आ रहा है या बी का मान है तब अब हम ए और बी का मान फ्रेंड्स हम इसमें रख देंगे इस वाले समीकरण में तो जैसे यहाँ पर रखेंगे हम तो यहाँ पर रखने पर कितना जाएगा छः का वर्ग करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर लिखा गया छः का वर्ग छः का वर्ग क्या आएगा छत्तीस आएगा माइनस सात लिखा गया बी बराबर तो बी का स्क्वायर लिखा गया सात शतक उनचास आएगा और गूढ़े प्लस दोनों का गूढ़ा किया गया है तो सात छंग बयालीस इन दोनों को जोड़ेंगे हम छः दो आठ आएगा और चार तीन सात आएगा अठहत्तर माइनस उनचास कर लेंगे अठहत्तर माइनस उनचास करेंगे अट्ठारह में से नौ जाएगा नौ बचेगा और यहाँ बच जाएगा छः छः में से चार चला जाएगा तो दो बचेगा तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स इसका जो आंसर निकाल के आने वाला है स निकल के आ जाएगा हमारा मेन मकसद था अगर कहीं पर इस प्रकार का प्रश्न आता इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का हमारा मेन मकसद था कि आपको कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप उसी पर अटक जाते तो इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम तो आज बस फ्रेंड्स यही तक प्रश्न था आज का थैंक यू बस धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा हम डेली आपके लिए एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे फ्रेंड्स कल टॉपिक क्या आने, वा आने वाला है फ्रेंड्स जो कल का टॉपिक होगा वह आने वाला है डिजिट डिजिट मतलब कि अंक हम अंकों के बारे